अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात और तमाम जहानों के लिए बाईस रहमत बनाकर भेजा, तो बनी नौ इंसान और तमाम मखलूकात के लिए ये तोहफा था कि अल्लाह ताला ने जिसकी मार्फत अपनी रहमतें भेजी तो किस कोई तकसीम नहीं की, ना मखलूकात में की, ना जहानों में की, ना बनी नौ इंसान में। फिर जो तफरीक हुई वो इंसानों ने की, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में माह मुबारक माह रबी अव्वल का सबसे पुरवकार पुरशिको शानदार इज्तम कहीं पर होता है तो वो ब्रिटो रोड पर ज़फ़र अब्बास और उसकी JDC के ज़ेर अहतमाम होता है। क्या अकीदतों का सिलसिला है, क्या मोहब्बतों का एक सैलाब है, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ही नहीं इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का भी एक वाज़े पैगाम दुनिया को जाता है कि भाई सबसे बड़े अमन के आश्ती के और सलामती के पैगंबर हम हैं, और हम ही के नाम से मंसूब हो गया कि हम दुनिया के अमन को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में यहाँ ये जिम्मेदारियों की याद दहानी भी है कि हमें हमारी मज़हब की सही शनाख्त को पूरी दुनिया में रोशनास कराना है। रहमतें सबके लिए हैं, इजारादारी किसी की नहीं, हमें एजाज़ है उम्मत ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। बस सबको हम एक जगह जमा करें, अमन का पैगाम दें, और मेरे ख्याल में यही अल्लाह ताला ज़फ़र अब्बास उनकी टीम की तौफीकात में इजाफा करें, उन्हें बहुत अजर दें। आप सबको जश्न विलादत रसूल मुबारक।